अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमैर। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद सर्कल क्लब में, जहां पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मेरा घर मेरा पाकिस्तान के नाम से एक स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है। हम आए हैं, उधर मौजूद हैं और हमने देखा है कि वहाँ पर काफ़ी बैंक ने और सोशल डेवलपमेंट ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। चलते हैं और अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से बैंक मौजूद है और ये स्कीम लगाने का मतलब क्या है। अगर एक आम सिटीज़न है जो 20 से 25 हज़ार रुपया तनख्वाह लेता है, क्या वो अपने घर का खुद मालिक बन सकता है? हम चलते हैं और मुख्तलिफ बैंक के लोगों से पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि ये कितनी आसानी के साथ बनेंगी और वो किस तरह हासिल कर सकता है। जी आइए। सबसे अहम बात कस्टमर की जानिब से दरख्वास्त और मुकम्मल कागजात बता रहा हूँ कि हमारी वहाँ इसलिए आपसे ये हमारी उसके बाद सुख है ना, सुख पर लिखा हुआ है सो सुख, ठीक है, मगर के सुख लेते हैं। इसमें ये चीज़ है कि सर आपको बिल्डिंग के पहले कोई भी चीज़ आपने बनानी है, सबसे पहले चीज़ आपको प्लॉट लेना है, ठीक है, फिर उसका पेपर वर्क करना है, फिर आपको उसके बाद मटीरियल चाहिए, उसके बाद ये आपका प्लम्बर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है,
मतलब सारी चीज़ें अंदर है, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। सही, ठीक है। तो इसमें आपने सिर्फ करना ये है कि आपने इधर उधर को जाना है, ठीक है। जैसे वो क्रीम या ऊपर वगैरह की जो चीज़ है जो उनके पास होते हैं वो आपके पास होगा, आपके हिसाब से मतलब आपको धोने की जरूरत नहीं है, आपने ये कर दिया अपना काम कोई भी काम। जैसे हमने पीछे ये किया है हमारे इधर कैनेडा में क्लाइंट से उसके प्रॉपर्टी का मसला था, पेपर वर्क उनका भी पेपर नहीं है, ये चीज़ है ये सो सुख दे रहे हैं हम। अच्छा, स्टैंडर्ड चार्टर तो बना बनाया गया हो रहा है, ठीक है। और हम फैसलाबाद में वैसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लाहौर में काम करते हैं और वहीं प्रॉपर्टी देखते हैं लाहौर में इस्लामाबाद में, तो हम जरूर आपको खाली करते हैं और देखते भी हैं। सॉरी, 20 साल का लोन है, ठीक है। और 20 साल पर ये क्रेडिट कंडीशन है इसकी कि टीयर टू में अगर 5 मरला से नीचे कर लेंगे तो टीयर टू में फॉल करेगा, ठीक है। 5-60 लाख तक की फाइनेंसिंग उसमें आपको मिल सकती है, 5 मरला, ठीक है। और उसमें आपको जो पहला रेट लगेगा वो रहेगा 5% से पहले विदाउट काइबर, बिल्कुल सही। फिर 5 साल तक वो फिक्स रहेगा, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स वो फिर फिक्स हो जाएगा 7%, यानी 2% बढ़ेगा फिर फिक्स हो जाएगा 10 साल तक। तो पहले 5 साल और पहले दूसरे 5 साल तक का फिक्स रहेगा, 10 साल के बाद जो है ना वो अगले 10 सालों के लिए वो काइबर प्लस 4 पे रिवॉल्व करेगा, एवरी ईयर आपका रेट वाइज करेगा जो काइबर चल रहा है, काइबर प्लस 4, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। आप जॉब करते हैं जी कहाँ पे? आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट है, मेल फैसला बाद में, ठीक है। सेल स्लिप्स वगैरह आप किस बैंक में आते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ अप्लाई किया आपने? नहीं किया, क्यों? नहीं, अभी इधर ही है। अच्छा, अल्फला में ज़रूर अप्लाई करिएगा। वैसे जहाँ सैलरी आती है हमारा मशवरा ये होता है क्लाइंट्स को कि आप वहाँ पे अप्लाई करें, तो उससे देखिए मुझे तो फ़ायदा ये होगा कि मैं बोलूँगी मेरे बैंक में अप्लाई करें, ये आपके फायदे की बात है कि आप उस बैंक में करें ताकि आपको आसानी हो, डॉक्यूमेंट्स कल जमा कराने में आपकी हिस्ट्री बनी हुई होगी, तो बस ये है। एक इम्प्लॉयज हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं अगर हमने एक प्लॉट लेना हो तो वो उस पर क्या महाना किस्त बनेगी और वो मिनिमम बंदे की सैलरी कितनी लगती है जी? अस्सलाम वालेकुम जी भैया, मेरी सिटी के एम्प्लॉयज हैं जी जी भैया, अगर मेरी मिनिमम सैलरी 20-25 हज़ार हो क्या मैं प्लॉट दे सकता हूँ? देखिए जी, उससे पहले मैं ये बता दूँ जो ये लोकेट करती है पाइन एवेन्यू के ऊपर, ये रोड के जो साउथ रोड है उसके एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे हम दो कैटेगरी ऑफर कर रहे हैं प्लॉट के अंदर, 5 मरला एंड 10 मरला, ठीक है। 5 मरला का जो प्लॉट है उसकी टोटल प्राइस है वो 75 लाख रुपये है, जो कंपनी का रेट है वो 75 लाख और 1 लाख इंस्टॉलमेंट है। अगर आप इस सैलरी के ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो GS बैंक पर क्वालिफाई हुआ है, आप GS बैंक में जाके अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग डिस्कशन करके उनके पैरामीटर्स हैं आपको उस पर आप असेस करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, वो देखेंगे आपको किस लोन की लिमिट के अंदर आप कॉल करते हैं उसके अगेंस्ट वो आपको देते हैं। अच्छा भैया, ये बताइए कि ये जो सिटी है इसमें जो सा मरला किधर से स्टार्ट होता है? डायमंड से होता है, 300 होता है, ये 500 होता है, इसमें मिनिमम रोड का जो साइज है वो 5 मरला है और 10 मरला दो होता है। इसके अंदर कोई कुछ और कटिंग थी हमारे पिछले सेक्टर के अंदर पिछले फ्लोर के अंदर, बट जो न्यू इसकी तो 5 मरला और 10 मरला। तो ये बताइए कि लाहौर में ही है या फैसलाबाद में भी आने लोग? नहीं, हमारा अभी तो लाहौर ही लोकेट करता है, लाहौर के अंदर हम दूसरा प्रोजेक्ट इन शाला इस साल के एंड में लेने के लिए तैयार है, वो जिया बगर रोड के ऊपर ग्यारह प्रोजेक्ट हमारा फाइन एम के ऊपर है, मेन बैंक कट प्रोजेक्ट हमारे दरवाजे में आ रहा है। उसके बाद प्लान्स में है कि डिफरेंट सिटीज़ में जाएंगे, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सुल्तानपुर। तो ये बताइए कि मिड सिटी के जो से ओनर हैं उनका नाम क्या है? इसके बेसिकली मिड सिटी को एक प्राइवेट हाउसिंग मिड सिटी हाउसिंग स्कीम जो है वही ओनर की मिड सिटी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, SCP रजिस्टर्ड कंपनी, कोई सिंगल पर्सन कोई ओनर नहीं है इसके, ओनर जो है वो कंपनी ही ओनर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।